नमस्कार परम प्रिय मित्रों, आज भी आपको बता रही हूँ बेलन से संबंधित कुछ खास बातें। इस पे आटा चिपका हुआ है, ये आटा आपको मैंने दिखाने के लिए ही छोड़ा है इसको। तो बेलन से संबंधित कुछ खास बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और बेलन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेलन आजकल कई तरह के आ गए हैं, प्लास्टिक वाले केमिकल के भी आते हैं, स्टील के भी आते हैं, यहाँ तक कि मैंने पीतल के भी देखे हैं। पर जनरली घरों में हम लोग इस तरह के लकड़ी के बेलन ही काम में लेते हैं, चाहे पतले मोटे किसी भी तरह के हों। लेकिन बेलन से संबंधित एक खास बात यह है कि एक तो रात्रि को जब आप भोजन वगैरह पूरा तैयार कर लेते हैं, निर्मित हो जाता है, तो बेलन हमेशा धोकर रखना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना, कई घरों में मैंने देखा, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा कि इस तरह से आटा चिपका हुआ रहता है और उसको वो सादा पानी से ही धोकर रख देते हैं। तो इस तरह से जो आटा चिपका हुआ रहता है, ये दोष को पनपाता है, तो इसलिए इसको वॉश करके ही आपको यूज़ में लेना चाहिए। अब आप कहेंगे दीदी ऐसा कौन करता है, पर परम प्रिय मित्रों ऐसे बहुत से लोग हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, उदाहरण हर जगह होते हैं, तो कई लोग ऐसा करते हैं। कुल मिला के बेलन संबंधी ये गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बेलन में अगर दरार आ गई है तो वो बेलन तुरंत हटा देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं दीदी उसे कहाँ रखें, तो जहाँ पर आप पूजा पाठ की सामग्री वगैरह रख कर आते हैं वहाँ पर आप उसको रख कर आ सकते हैं। टूटा हुआ बेलन कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो खास बात है बेलन संबंधी वो ये है कि नया बेलन कब खरीदें। मित्रों नया बेलन जो होता है ना, ये पंचक में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बेलन लकड़ी का बना हुआ होता है और पंचक में लकड़ी का सामान कभी नहीं खरीदना चाहिए। तो बेलन आप कभी भी पंचक में ना खरीदें। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो अखबार में लिखा हुआ होता है कि पंचक यानी 5 दिन तक चलते हैं पंचक, और उस दौरान लकड़ी का कोई भी सामान घर में लाना बहुत 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 अशुभ होता है। तो कभी भूलकर भी बेलन ना खरीदें। ये पंचांग में खरीदा हुआ बेलन बर्बादी लाता है मित्रों, लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर है कि आप इनमें ट्रस्ट करते हैं तो माने, अन्यथा नहीं। मैं अपने विचार मानने के लिए आपको कभी भी बाध्य नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मैं आपको अच्छी जानकारी दूँ जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा मुझे भी प्राप्त हुई है और आपको भी प्राप्त होती रहती है। मित्रों इसके अलावा एक जो खास चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि बेलन हमेशा खड़ा रखना चाहिए, बेलन हमेशा आड़ा नहीं रखना चाहिए, सीधा करके बेलन को हमेशा रखना चाहिए स्टैंड के अंदर। इस चीज़ का भी आप हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा बेलन के द्वारा कोई और काम नहीं करना चाहिए। रोटी बनाने वाला बेलन अलग रखें, अगर कुछ चीज़ तोड़ते हैं आप तो एक बेलन आप अलग से रखें। बेलन से हमेशा रोटी ही बनानी चाहिए। बेलन को कई लोग किसी भी काम में ले लेते हैं, इलायची तोड़ने के काम में या कुछ गुड़ तोड़ना है, कोई भी चीज़ तोड़नी है आपको, तो एक अलग से बेलन घर में रखें। एक से अधिक बेलन हो सकते हैं घर में, लेकिन 3 बेलन घर में नहीं होने चाहिए। 2 बेलन रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बेलन आप स्टील का भी ले सकते हैं, कंफर्टेबल है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लास्टिक या केमिकल जो जिस तरह के आजकल बन रहे हैं ना, आर्टिफिशियल दिखाने वाले सुंदर सुंदर बेलन, तो वो बेलन आपको अपने घर में नहीं रखने चाहिए। इसके अलावा बेलन खरीदने का शुभ मुहूर्त है, आप किसी पूर्णिमा को बेलन खरीद सकते हैं। अबूझ सावा जिस दिन होता है ना, जिस दिन विवाह के भी मुहूर्त होते हैं, उस दिन भी बेलन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस पर आप बेलन खरीद सकते हैं, या बहुत सारे शुभ मुहूर्त आते हैं, फुलेरा दूज है, अक्षय तृतीया है, ये सब शुभ शुभ मुहूर्त होते हैं, इस दिन आप खरीद सकते हैं। अगर मुहूर्त देरी से है और आपको अर्जेंसी है खरीदने की, तो आप फ्राइडे के दिन या गुरुवार के दिन बेलन खरीद सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन बेलन नहीं खरीदना चाहिए।